गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई नेम इज़ ज्योति शुक्ला एंड वी आर हेयर टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये है हमारा पेपर टू। और आज की जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड द टॉपिक इज द फॉर्म्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनके कंट्रोल और उनकी जो प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस हैं उनके बारे में। तो आज की जो यूनिट है उसमें हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को डील करेंगे एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 73 इन द सीरीज ऑफ द लेक्चर। ऑल्सो दिस इज अवर वेबसाइट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जिसमें आपको काफ़ी सारे यूजफुल कोर्सेज अवेलेबल होंगे और इसमें जो भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर अपकमिंग है स्पेशली यूपी का, जैसे कि लोअर पीसीएस का एग्जाम है, मंडी परिषद का तो खैर हो गया, लोअर पीसीएस का एग्जाम है या फिर आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आरओ का नोटिफिकेशन आने वाला है उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं, प्लस आपका यूपीपीएससी 2019 उससे रिलेटेड आपकी जो कंप्लीट तैयारी है वो कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इसमें करवाई जाएगी। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल तो ताकि आपको जितने भी इसके लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सके और कोई भी जो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो आपसे छूटे नहीं। एंड इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन द फ्री स्टडी मटेरियल तो ये जो टेलीग्राम का जो नंबर है आप इसके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी सारा जो पीडीएफ मटेरियल है वो अवेलेबल हो जाएगा और आपकी तैयारी में आपको हेल्प होगी। फाइन, एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू कीप अवर मोटिवेशन हाई प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ताकि हम लोग का जो मोटिवेशन है वो बिल्डअप रहे। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज़ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो आज का जो हमारा यूनिट भी है टॉपिक भी यही है, एक ही टॉपिक में हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, छोटी सी यूनिट है अबाउट द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हमारी वो हैं विच आर गवर्न एंड ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो जिन अंडरटेकिंग्स को, जिन कंपनीज को ओन करती है, उनको गवर्न करती है, उनको हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं। सो ट्रेडिशनली द बिजनेस एक्टिविटीज वर लेफ्ट मेनली टू द इंडिविजुअल एंड द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट वॉज टेकिंग केयर ऑफ ओनली द एसेंशियल सर्विसेज सच एज द रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पोस्टल सर्विसेज एक्सेट्रा। सो ट्रेडिशनली एज वी ऑल नो कि जब हम बिजनेस एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज जो थी वो टोटली किससे गवर्न की जाती थी, प्राइवेट प्लेयर्स, या तो प्राइवेट प्लेयर्स हो गए या फिर जो आपके इंडिविजुअल प्लेयर्स हो गए, जो बिजनेस एंटिटीज थी वो आपके जितने भी मेजर बिजनेस कॉरपोरेशंस थे उनको होल्ड करते थे और बाकी जो गवर्नमेंट के पास में जो इंटरप्राइजेस थे वो स्पेशली जितने भी एसेंशियल सर्विसेज हैं प्रोवाइड करने की उसको अपने पास रखते थे, जैसे कि रेलवेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो गया, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एसेट्रा, पोस्टल सर्विसेज हो गया, टेलीग्राफ हो गया, दूरदर्शन हो गया एसेट्रा। तो ये जितनी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जितनी एंटिटीज थी वो गवर्नमेंट के पास थी और बाकी मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंटिटीज जो थी वो आपकी प्राइवेट प्लेयर्स के पास में ही थी। सो दिस वॉज समथिंग विच इज गोइंग ऑन फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ ट्रेडिशनल टाइम। नाउ बट इट वॉज ऑब्जर्व दैट प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन द एरियाज वेयर द जेस्टेशन पीरियड वॉज लॉन्ग, इन्वेस्टमेंट वॉज हैवी एंड द प्रॉफिट्स वर लो, सच एज मशीन बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा। फिर उसके बाद जब ये देखा गया आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो इसके बाद ये सारा का सारा इवेल्युएशन हमारा स्टार्ट हुआ। इंडिपेंडेंस से पहले डेफिनेटली हम लोग के जो स्टील प्लांट्स हैं एक दो लगाए गए थे, जैसे आपके टाटा स्टील हो गया, और उससे पहले रेलवे का और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी काम किए गए थे। लेकिन एक मेजर ब्रेक थ्रू तब हुआ जब व्हेन इंडिया गॉट इट इंडिपेंडेंस, और उसके बाद हमको अपनी एक पॉलिसी फॉर्मेशन करनी थी, और वहाँ पर हम लोगों ने ना कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ना ही सोशलिस्ट इकोनॉमी को, मतलब ईदर ऑफ द टू एक्सट्रीम को हमने अडॉप्ट नहीं किया, वी वेंट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक प्लेयर, यानी कि जो पब्लिक गवर्नमेंट है, जो पब्लिक सेक्टर है, उन दोनों का एक मिश्रण हो ताकि एक ऑप्टिमम सिचुएशन जो है वो क्रिएट की जा सके फॉर द डेवलपमेंट। सो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स दे आर मोस्टली दे आर गवर्न बाय द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव, कि उनका जो मोटिव होता है जिससे दे आर ड्रिवन वो होता है उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि जहाँ पे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है, जहाँ पे उनके पास अवेलेबिलिटी होगी रॉ मटेरियल की या फिर उनको स्किल्ड लेबर मिलेगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये कि जहाँ पे उनको उनके इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिलता है वहाँ पे तो वो अपने काम को करेंगे, और अदरवाइज अगर उनसे कहा जाए कि वो किसी और जगह जाकर के अपना प्लांट सेटअप करें या फिर वहाँ पे प्रोग्रेस करें, तो वहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन सारी जगहों पर फोकस करने के लिए भी गवर्नमेंट को वहाँ पर इन्वॉल्व होना या फिर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना, एक रोल क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया, एंड हेंस दीज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस दे केम इनटू बीइंग।
सो बहुत सारे हमें हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, पोस्टल सर्विसेज हो गया, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया, रेलवेज हो गया, मशीन बिल्डिंग हो गया, शिपयार्ड बिल्डिंग हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे जो ऐसे काम थे, इनमें जो है गवर्नमेंट का जो एक पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया, क्योंकि अक्सर इनमें ये क्या था कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी हैवी था, कई बार ऐसा होता था कि प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी कम होते थे, रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता था, इसीलिए इन सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जेस्टेशन पीरियड भी बहुत लंबा था। एक बहुत लंबे समय तक जब आप लगे रहोगे तो उसके बाद आपका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो पाएगा और फिर उसके ऊपर आप सोच सकते हो कि हाँ आपको कभी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं, उनको इस तरीके से नहीं सोचना होता है। दे हैव टू थिंक कि हमें इस तरीके से अपने इन सेक्टर्स के ऊपर, इन सारी फील्ड्स के ऊपर ध्यान देना है, ताकि एक ओवरऑल हमारी जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप हो सके, प्लस जो लोगों की ज़रूरतें हैं हम उनको भी पूरा कर सकें, और जो भी होगा वो बहुत ही इंक्लूसिव मैनर में होना चाहिए। यानी कि वैसे अगर हम आज का एग्जाम्पल लें तो अगर हम कंपेयर करते हैं उत्तर प्रदेश को आंध्र प्रदेश से, तो डेफिनेटली जो उत्तर प्रदेश है इन द टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ, आंध्र प्रदेश से हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। वो इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे अगर आप देखें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनको एक स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है, उनके जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम यही बात कहें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो थोड़ा सा एक सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो इतना फीजिबल, इतना सूटेबल नहीं है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो कोई भी फील्ड, मतलब किसी भी फील्ड में यहाँ पर आकर के अपना एक प्लान सेटअप कर सकते हैं या फिर ग्रो कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर ये जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं इनको अगर पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में छोड़ दिया गया, तो वो डेफिनेटली सिर्फ कुछ ही एरियाज़ में जहाँ पर उनको प्रॉफिट होगा वहाँ पर जाकर के कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और बाकी एरियाज़ जो हैं दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सिमिलरली जैसे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, क्योंकि वहाँ पे इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और जो आपका कनेक्टिविटी है थ्रू द रोड एंड द रेलवेज वो भी इतनी स्मूथ नहीं है, इसे डेफिनेटली अगर पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया जाता तो डेफिनेटली ये जो कुछ एरियाज़ हैं, जैसे कि हमारा रेड कॉरिडोर आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के बीच का जो ये पूरा कॉरिडोर है जैसे रेड कॉरिडोर कहते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल थिंग्स आर इम्प्रूविंग। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो जगहें हैं वो पीछे छूट जाती, तो उन सबको इनकम पास करने के लिए द गवर्नमेंट इट स्टार्टेड इट्स पार्टिसिपेशन। नाउ देन द इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड इन सम रीजन्स दैट हैड दी सर्टेन नेचुरल एडवांटेजेस सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, स्किल्ड लेबर, It has a certain natural advantages such as availability of the raw materials, skilled labor, nearness to the market, etc. And this led to regional imbalances. तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि अगर प्राइवेट सेक्टर्स खाली इस हर एक सेक्टर में अपने एक्टिव होते तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाता, कि कोई स्टेट्स ऐसे होते जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता, और कुछ स्टेट ऐसे होते जो कि पूरी तरीके से पीछे छूट जाते, बिकॉज वहाँ पे जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट है बिजनेस करने के लिए वो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता। से फॉर सपोज अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट को जितने भी हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, फार ऑफ प्लेसेस हैं, जैसे कि जो आपका शिमला का जो एकदम लास्ट गांव है, विच इज़ दी हाईएस्ट पीक पे जो आपका पोलिंग स्टेशन है जिसमें भी आपकी पोलिंग हुई थी लोकसभा के इलेक्शंस में, वो है। फिर आपका जो लद्दाख का रीजन है, आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया है, या फिर आपका चाइना के बॉर्डर में, तो वहाँ पे भी हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, दैट दे आर द रिमोटेस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री। और अगर आप राजस्थान के भी कुछ एरियाज की बात करें तो वहाँ पे भी आपके पोस्टल डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन अगर यही काम पोस्ट ऑफिसेस खोलने का या फिर ये पोस्ट बॉक्सेस को मेंटेन करने का, डिलीवरी ऑफ स्टैम्प्स एंड पोस्ट एंड द टेलीग्राफ्स, अगर इन सब चीज़ों का काम पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर्स पे छोड़ दिया जाता तो क्या वो इतनी फार ऑफ प्लेसेस पे, इतनी जो रिमोटली कनेक्टेड है हमारी कंट्री से, क्या वो वहाँ जाकर के इतना इन्वेस्टमेंट करते जहाँ पे उनको रिटर्न इतना नहीं मिलता, जहाँ पे हो सकता है कि सिर्फ महीने में एक या दो बार कोई इंसान कोई काम कराने के लिए आता, तो क्या कोई प्राइवेट सेक्टर का पर्सन इंटरेस्टेड होता? नहीं होता। तो इसीलिए अपनी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए द गवर्नमेंट दे नीडेड टू पार्टिसिपेट इन दी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। फिर है, हैज द गवर्नमेंट वाइल रेगुलेटिंग द प्राइवेट इंटरप्राइजेस सेट अप इट्स ओन इंटरप्राइजेस लाइक द कोल, ऑयल इंडस्ट्री, मशीन बिल्डिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्सेट्रा।
तो इसीलिए प्राइवेट इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के साथ साथ, कि ऐसा नहीं है कि जब प्राइवेट इंडस्ट्री हमारी काम कर रही है, चाहे वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज में, दे आर फॉलोइंग द मार्केट फोर्सेज, बट ऑल्सो मतलब नॉट एवरीथिंग हैज़ बीन लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, दे आर रेगुलेटेड ऑल्सो बाय द रिक्विजिट लॉज एंड रेगुलेशंस. तो गवर्नमेंट जब प्राइवेट सेक्टर में, जब गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट सेक्टर को अपना काम करने की आज़ादी दी, तो उसके साथ साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट, कि ऐसा नहीं है कि दैट दे आर टोटली फ्री टू डू एनीथिंग, ताकि किसी भी तरीके से किसी फर्म का या फिर जो हमारे लोग हैं इन द फॉर्म ऑफ द इन्वेस्टर्स, उनका किसी तरीके से लॉस ना हो सके. सो द गवर्नमेंट दे रेगुलेटेड द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, एंड ऑन द सेम हैंड उन्होंने अपना जो काम है वो भी शुरू कर दिया, स्पेशली जैसे कि आपकी कोल इंडस्ट्री हो गई, ऑयल इंडस्ट्री हो गई, मशीन बिल्डिंग हो गई, स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो गई, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. तो इन सारी फील्ड में गवर्नमेंट ने भी अपना काम शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स जहाँ जहाँ पर भी एक्टिव थे, इन्वॉल्व थे, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी प्रॉपर मेंटेन किए गए. फिर है, दीज यूनिट्स आर नॉट ओनली ओन्ड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी, बट ऑल्सो मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय देम एंड आर टर्म्ड एज द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. तो ये जो आपके इंटरप्राइजेस हैं, जो आपकी कोल इंडस्ट्री है, कोल इंडिया लिमिटेड है, ऑयल इंडस्ट्री है, ONGC है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, HAL है, गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये सारे जो आपके इंटरप्राइजेस हैं, दे आर नॉट ओनली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट. ये सिर्फ ओन नहीं किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, बल्कि वो टोटली मैनेज और कंट्रोल भी किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट. यानी कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो निल है. ठीक है, यहाँ पे ना केवल उनको मैनेज करने का, उनको गवर्न करने का, प्रॉपर्टी जो है वो भी कम्प्लीटली गवर्नमेंट ही ओन करती है, और उसके साथ साथ उनका जो पूरा मैनेजमेंट है, उनका जो चलाने का तरीका है, वो भी कम्प्लीटली डिसाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट. तो इनको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. तो कुछ ऐसे हमारे क्रूशियल सेक्टर्स जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, स्पेशली हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, उसको गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं छोड़ा. और अगर कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एरियाज थे जहाँ पे बाद में प्राइवेट सेक्टर्स को भी जगह दी गई, जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लेटर ऑन आफ्टर 1992 इन सारे सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया. और पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही थे, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक का इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था. सो ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं छोड़ी गई थी. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन सारी इंडस्ट्रीज़ को ना केवल ओन किया, बल्कि उनको कम्प्लीटली कंट्रोल भी किया और मैनेज भी किया, और इनको कहलाया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. ठीक है, नाउ इफ यू गो टू द मीनिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या फिर जिसे हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस भी कहते हैं, तो द बिजनेस यूनिट्स ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल, स्टेट और द लोकल गवर्नमेंट आर टर्म्ड एज द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. तो अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है, तो वो बिजनेस यूनिट्स दे आर कम्प्लीटली विच आर कम्प्लीटली ओन्ड, मैनेज्ड and controlled by either the central government or the state government or the local authority. तो अगर ऐसी कोई भी business units हैं जिनको completely own किया जाता है और manage और control किया जाता है, चाहे तो central government से, चाहे तो state government से, या फिर किसी local authority या local government से, उन्हें हम public sector enterprises कहते हैं. यानी कि उनकी ownership, उनका management और control total किसके हाथों में होता है, government के हाथों में होता है. यहाँ पर private आपका जो एंटिटी है उसका कोई रोल नहीं होता है. फिर यह पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इज एनी कमर्शियल और द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू अपहोल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट एंड मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर. अब इसके साथ एक और क्लॉज ये अटैच होता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का, कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस मोस्टली वहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं जहाँ पर वो उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर तो ध्यान देती हैं, लेकिन जिस भी चीज़ का वो प्रोडक्शन कर रही हैं, चाहे जैसे कि स्टील हो गया, ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपकी जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो बेसिक इनका जो गोल होता है वो होता है टू अपहोल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट एंड टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर. तो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से
और पब्लिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड करने के लिए भी ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बनाई जाती हैं कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी कमर्शियल आपकी इंटरप्राइज है या फिर कोई भी आपकी प्रोडक्शन यूनिट है जिसको गवर्नमेंट टोटली ओन करती है, मैनेज करती है, लेकिन करती है बेसिकली किसके लिए? टू अपहोल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट एंड टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर. तो वो हमारी कहलाएगी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज. ऐसी कोई भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज नहीं हो सकती है जिसको गवर्नमेंट टोटली ओन करे या मैनेज करे, लेकिन उसका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो. यानी कि वहाँ पे उनको सोशल वेलफेयर से मतलब नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब हो. और वो ये कहेंगे कि जब तक वो प्रॉफिटेबली चल रही है, रन कर रही है, तब तक तो हम उसे एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसे यूनिट जो है वो डिक्लेयर करके उसको बंद कर देंगे. तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती है. ठीक है, कई बार ऐसा भी हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया कि जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जो हैं, स्पेशली जो स्टेट ओन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन तो नहीं, जो स्टेट ओन कुछ इंडस्ट्रीज थी, स्पेशली हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी. बट जस्ट बिकॉज कि उनका जो इंटरेस्ट था वो सोशल वेलफेयर से था, इसलिए उनको कम्प्लीटली बंद भी नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो एक बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया. एंड फाइनली वो जो इंडस्ट्रीज थी उनको एज अ सिक इंडस्ट्रीज डिक्लेयर कर दिया गया. यानी कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी. उसमें पैसा तो बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, लेकिन जो रिटर्न आता था, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, वो इतना ज़्यादा नहीं होता था. तो फिर काफ़ी सारे लेजिस्लेशंस के बाद में काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको फाइनली बंद करना पड़ा. क्यों? क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. बट ऑन दी अदर हैंड, ऐसा नहीं होता है कि किसी भी कॉरपोरेशन को इसलिए रन किया जाए क्योंकि उसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो. अगर जो इंडस्ट्री है आपकी वो आपकी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर या फिर आपका जो स्टेट का फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन बन रही है, तो इन दैट केस तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई इंडस्ट्री सिक इंडस्ट्री हो गई है तो हम उसे सिक इंडस्ट्री डिक्लेयर करके या तो हम उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे या फिर हम उसे कम्प्लीटली बंद कर देंगे. बट अदरवाइज जब तक हमारे पब्लिक के वेलफेयर का मामला है या फिर सोशल इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है, तब तक दैट एंटिटी, दैट कॉरपोरेशन, इट कीप्स ऑन रनिंग. ओके, नाउ इट इंक्लूड्स द LIC, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एसेट्रा. तो हमारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में कौन कौन सी आती हैं? हमारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में हमारी कॉरपोरेशन आती हैं, जैसे कि LIC हो गया, इंश्योरेंस रिलेटेड हो गया, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हो गया, दूरदर्शन हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया. ये सारे के सारे इंटरप्राइजेस कैसे हैं? ये सारे के सारे इंटरप्राइजेस जो पब्लिक वेलफेयर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि ऑयल और गैस जो है वो हमें आज भी, चाहे हमारी कुकिंग गैस हो या फिर पेट्रोलियम हो, वो दोनों हमें हमारी गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड करती है. ठीक है, अगर यही कंपनी, यही सेक्टर किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथों में होता तो इसके जो दाम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर शूट अप कर चुके होते हैं. और ऑयल जो है, चाहे वो पेट्रोलियम हो जो हम अपनी कार्स में और बाइक्स में यूज़ करते हैं, या फिर डीजल हो जो कि बड़े व्हीकल्स में और ट्रैक्टर्स वगैरह में यूज़ होता है, उन पे सब्सिडी प्रोवाइड करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अगर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, रॉ मटेरियल्स का, इधर से उधर कंट्री में जितना भी ट्रांजिट होता है वो सारा का सारा हैवी व्हीकल्स से होता है. और मोस्टली जो आपके हैवी व्हीकल्स हैं दे रन ऑन डीजल. ठीक है, तो अगर उनका दाम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी. जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी वैसे ही आपके जितने ये बेसिक आइटम्स हैं, आलू, प्याज, टमाटर, नमक, इन सब के प्राइसेस बढ़ जाएंगे. तो उससे क्या होगा? उससे हमारी पब्लिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. इसीलिए गवर्नमेंट इन जो क्रूशल एरियाज हैं इनको कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में रखती है और इन पर आज भी हमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है. नाउ इफ़ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस, कि जो हमारे पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो गवर्नमेंट ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट. तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का वो आता है आपका गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, की जो ओनरशिप है इन एंटिटीज की, दैट दे आर गवर्न बाय द गवर्नमेंट कम्प्लीटली और उनको मैनेज भी कम्प्लीटली कौन करता है? गवर्नमेंट बॉडी ही करती है. सो द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी. ठीक है, नो द गवर्नमेंट में इधर होल्ली ओन द पब्लिक इंटरप्राइजेस और ओनरशिप में पार्टली विद द गवर्नमेंट एंड पार्टली विद द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पब्लिक. तो ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं इसमें जो ओनरशिप है या तो ये टोटली गवर्नमेंट की हो सकती है
या फिर ये पार्शली भी हो सकती है कि पार्शली गवर्नमेंट की इसमें ओनरशिप हो और पार्शली किसकी हो, या तो पब्लिक की हो या फिर किसी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट की हो। लेकिन अगर पार्शली भी होगी तो उस केस में जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर होंगे वो हमारी गवर्नमेंट होगी, यानी कि मोर देन 51% ऑफ द शेयर्स शुड बिलोंग टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो है कि ये जो हमारे PSUs होते हैं दे आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी, प्लस या तो ओनरशिप जो है दे होली ओन द पब्लिक इंटरप्राइजेस या फिर दे पार्शली ओन्ड इट, और पार्शली जो उसकी ओनरशिप है वो किसी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर किसी पब्लिक के पास में हो सकती है। इन केस द कंट्रोल मैनेजमेंट एंड ओनरशिप रिमेंस प्राइमरीली विद द गवर्नमेंट, और किसी भी केस में जो आपका कंट्रोल है, मैनेजमेंट है और ओनरशिप है वो प्राइमरीली किसके हाथ में होती है, वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होती है। यानी कि जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, ओनरशिप है, ये तीनों चीज़ें पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के केस में हमेशा गवर्नमेंट के हाथ में होगी, यानी कि गवर्नमेंट ही इसकी जो है वो रूलिंग अथॉरिटी है। फिर फॉर एग्जाम्पल NTPC इज एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्ट ऑफ इट शेयर कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक, सो इज द केस विद द ONGC। नाउ इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जिसे हम NTPC कहते हैं, ये हमारी एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था। तो इसका जो एक अ पार्ट ऑफ इट शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि अगर एक कंपनी है तो उसकी जो वर्थ है, यानी कि उस कंपनी की एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होती है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं इन द टर्म ऑफ शेयर्स। शेयर्स आपका कुछ नहीं है, वो एक सिंगल यूनिट है, अ सिंगल यूनिट ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी, जिसको हम शेयर कहते हैं। तो अब पार्ट ऑफ इट शेयर्स, से फॉर सपोज कि 95% जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन 5% जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास है। अब पब्लिक के पास कैसे होंगे? पब्लिक के पास ऐसे होंगे कि जब गवर्नमेंट जो है वो NTPC के शेयर्स अगर इशू करती है और लोगों से कहती है कि ठीक है आप हमारे शेयर्स खरीदिए और उसके बदले में या तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और या फिर जैसे जैसे शेयर्स के हमारे दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे आज से 2 साल के बाद में या फिर 5 साल के बाद में जब आप इन शेयर्स को बेचेंगे तो आज के जो प्रेजेंट रेट है उससे ज़्यादा के रेट पर ये बिकेंगे। कई बार ऐसे भी होता है कि किसी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो मार्केट में नीचे गिर जाते हैं, जैसे जब हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में देखते हैं। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़ का चैनल लगाते हैं, CNBC वगैरह या फिर NDTV प्रॉफिट, तो आप उसमें देखेंगे कि नीचे लिख लिख के आता रहता है कि कौन कौन से कंपनी के शेयर्स हैं जो आज ऊपर बढ़े हैं सर्टेन पॉइंट से और कुछ नीचे गिरे हैं। ठीक है, तो ये जो शेयर्स हमारे होते हैं, शेयर्स का एक तरीका होता है जिससे आप जो ओनरशिप है अपनी कंपनी की वो थोड़ी सी बेच सकते हो, कि अगर आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी को थोड़े से पैसों की ज़रूरत है तो आप क्या करोगे, आप पेपर्स बनवाओगे, डॉक्यूमेंट्स बनवाओगे और आप ये कहोगे कि 75% की जो वैल्यू है हमारी कंपनी की वो हमारे पास है और जो 25% की जो वैल्यू है उसको हम शेयर्स के फॉर्म में मार्केट में फ्लोट कर देते हैं और फिर हम लोगों से कहेंगे कि वो हमारे शेयर्स खरीदें, फिर लोग डेफिनेटली आपके शेयर्स खरीदेंगे। तो शेयर्स बेसिकली क्या होता है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पर्ची होती है छोटी सी जिसमें ये लिखा होता है कि मान लीजिए कि आपने 500 रुपये का एक शेयर खरीदा और एक इंसान ने कंपनी के 10 शेयर्स खरीद लिए, तो उसने कितने के खरीदे, 5,000 के। अब जब उसने वो 5,000 की वो 5 पर्चियाँ खरीदी, 10 पर्चियाँ खरीदी उसने, तो वो 5,000 रुपये किसके पास गए, कंपनी के पास गए। तो इस तरीके से कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने थोड़ी सी अपनी ओनरशिप बेची और उसके बदले में पब्लिक से पैसा उठाया। ठीक है, फिर जब कंपनी और अच्छा परफॉर्म करेगी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके जो शेयर्स की जो वैल्यू है मार्केट में, या फिर अगर वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके शेयर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी और फिर वो इंसान अगर आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद उन शेयर्स को बेचता है तो उसके पास क्या होगा, उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा। ये भी हो सकता है कि जो उसने एक शेयर 500 रुपये का ख़रीदा था वो जब वो 2 साल के बाद बेचे तो वो उसको उसका शेयर 850 रुपये में या फिर 950 रुपये में उसका वो शेयर बिके। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो ये जो है कि हाँ ठीक है, NTPC का हमने एग्जाम्पल लिया था, NTPC हमारी एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ रन बाय द गवर्नमेंट, तो इसका जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन इसका जो कुछ शेयर है वो किसके पास में है, पब्लिक के पास में। पब्लिक के पास कैसे पहुँचा, शेयर्स के थ्रू पहुँचा। ठीक है, एंड सिमिलरली इट इज़ द केस विद द ONGC। तो ये जो हमारी कंपनीज हैं, NTPC है, ONGC है, ये हमारी बेसिकली क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये महारत्ना कंपनी है। तो महारत्ना कंपनी का मतलब ये है कि ये हमारी कंट्री की एक तो बहुत बड़ी बड़ी
कॉरपोरेशंस हैं, बहुत बड़ी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, और दूसरी ये हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो इसीलिए इनके शेयर्स मार्केट में फ्लोट भी होते हैं, और इनका जो है मतलब ये जो कंपनी है दे आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो। ठीक है, अब इतने फाइनेंशियल टर्म्स काफ़ी हैं खैर इसके लिए। हाँ, नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज दैट इट इज़ फाइनेंस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड्स। कि जितना भी फाइनेंसिस होता है इसका, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, वो टोटली होता है हमारी गवर्नमेंट फंड्स के द्वारा। ठीक है, तो पब्लिक इंटरप्राइजेस गेट द कैपिटल फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड्स एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक प्रोविजन फॉर इट्स कैपिटल इन द बजट। कि जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, इनका पैसा कहाँ से आता है, इनको फाइनेंस कौन करता है, इनको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। और जब भी गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है तो उस बजट में ही इनको जो भी फाइनेंस करना है वो भी कैपिटल इनका भी उसमें इंक्लूडेड होता है। यानी कि जब भी गवर्नमेंट जो है हर साल जब हमारा बजट बनाती है तो उस बजट में कितनी भी जो हमारी ये स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस हैं, जो हमारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, इनके कैपिटल के लिए कितना कितना पैसा जाना है, एलोकेट होना है, वो भी उनके बजट में इंक्लूडेड होता है। तो पहला फीचर हमारा ये था कि दे आर कम्प्लीटली गवर्नड एंड ओन्ड बाई द गवर्नमेंट, जो हमारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं। दूसरा ये है दैट दे आर फाइनेंस्ड ऑल्सो बाई द गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरा है पब्लिक वेलफेयर। अब पब्लिक वेलफेयर इसके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस काम करते हैं, इनके इनका जो मेन मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर, यानी कि पब्लिक के वेलफेयर को फुलफिल करना। और ये प्रॉफिट मोटिव से गाइडेड नहीं होते हैं, इनका मेजर फोकस यही होता है कि उनको वो सर्विसेज और कमोडिटीज अपनी सोसाइटी के लिए बनानी है जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, फिर आता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। आप जो PSUs हैं ये आपके कॉन्सेंट्रेट करते हैं उन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए जो कि पब्लिक के यूटिलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, एसेट्रा एसेट्रा। तो पहले अगर हम लोग बात करें हम लोग के बचपन की, तो हम लोग के घरों में लैंडलाइन फ़ोन होते थे। ठीक है, वो BSNL के, तो वो लैंडलाइन के फ़ोन के डेफिनेटली हम लोग को पहले अप्लाई करना पड़ता था, और फिर जब नंबर आता था 6 महीने 8 महीने के बाद में, तब जा कर के वहाँ डिपार्टमेंट से कोई आता था और वो वहाँ पे जो हम लोग का लैंडलाइन फ़ोन होता था वो रखता था, एंड देन अवर टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज स्टार्टेड। ठीक है, ऐसे का होता था। अब तो क्योंकि फिर से प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं टेली कम्युनिकेशन वगैरह में, तो हर किसी के पास में मोबाइल है, और जो आपके काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो भी प्राइवेट हो गए हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द 90s, अगर हम 90s की बात करें, तो 90s के पीरियड में जो हमारे ये गवर्नमेंट सेक्टर थे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, ये मेजर रोल प्ले करते थे। आज भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं दे आर द मेजर प्लेयर इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द पीपल। और अगेन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी हमें ऐसी ऐसी जगहों पर भी पहुँचानी है जहाँ पर अभी तक जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुँची नहीं है, इन दोज प्लेसेज ऑफ अवर कंट्री, राइट। तो यहाँ पे भी हमारी जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बिकॉज धीरे धीरे हमें हमारी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इम्प्रूव करना है, और इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक नीड में आती है। इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है, वाटर है, हेल्थ सर्विसेज हैं, ये इतने बेसिक नीड्स में आती हैं जो हमें हर एक जो सिटीजन है हमारी कंट्री का उसको इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट। अगेन जो ट्रांसपोर्ट है हमारी, ये जो बसेस चलती हैं हमारी, इंटरसिटी बसेस चलती हैं या फिर इंटर स्टेट बसेस जो हमारी चलती हैं, या फिर जो शहर के अंदर भी बसेस चलती हैं, वो किसके द्वारा चलाई जाती हैं, सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, तो वो भी हमारा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को प्रोवाइड करना भी हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का एक कैरेक्टरिस्टिक है। फिर ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। नाउ सिंस दे आर गवर्न्ड बाय द पब्लिक पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर एंड एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है लेजिस्लेचर का। ठीक है, चाहे पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ये दोनों ही जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, क्योंकि उनको गवर्न करते हैं इसलिए उनका कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा होता है इन इंटरप्राइजेस के ऊपर। एंड हेंस क्योंकि कंट्रोल होता है, तो सिंस उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है लेजिस्लेचर की तरफ वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर लेजिस्लेचर के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी है तो किसके प्रति है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि पब्लिक के प्रति भी है, बिकॉज लेजिस्लेचर में पब्लिक के ही रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर आता है आपका एक और इसका फीचर है, वो है एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज़। तो एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज़ भी इसलिए हैं
क्योंकि अगर आपको कोई भी काम कराना है देन इट हैज़ टू गो थ्रू द गवर्नमेंट प्रोसीजर और उसके बाद फिर वो उसको पास करवाना, फिर आगे जाकर के वो एक लॉ बनेगा, फिर 10 लोगों के उस पर सिग्नेचर्स होंगे। तो इस तरीके से क्योंकि गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा रूल होता है, ओल्ड होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी इसमें है, कंट्रोल भी है, इसलिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा होती हैं कि जितना स्विफ्टली और जितना ईजिली प्राइवेट सेक्टर का काम हो जाता है उतना स्विफ्टली यहाँ पे काम नहीं होता है। यहाँ पे आपको कई सारे लोगों से ऑथराइजेशन चाहिए होता है टू गेट अ वर्क डन। ठीक है, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के, जिसमें थी गवर्नमेंट ओनरशिप और मैनेजमेंट, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को प्रोवाइड कराना, पब्लिक वेलफेयर का होना, दे आर कम्प्लीटली फाइनेंस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फंड्स, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का होना और एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज़ का होना। ठीक है, नाउ इफ यू कम टू द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, तो क्या होता है, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस से जो हमारे पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं वो किस तरीके से डिफरेंट हैं अगर हम इस चीज़ पर बात करें तो जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं हमारे, दे आर कम्प्लीटली ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ द प्राइवेट सॉरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं दे आर ड्रिवन बाय द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल, और जो हमारे पब्लिक इंटरप्राइज है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके लिए जो हमारा सोशल इंटरेस्ट है, जो पब्लिक वेलफेयर है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से दोनों का जो एम है, जो दोनों का मोटिव है, वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए यहाँ पे प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, और अगर हम पब्लिक इंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा पब्लिक वेलफेयर है वो इंपॉर्टेंट है। फिर प्राइवेट इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें दे आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स, कि जैसे आप एक इंडिविजुअल हैं, अगर कल को आपने अपनी कंपनी खोली और आप कुछ भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, से फॉर सपोज आप साबुन बनाने की एक फैक्ट्री खोलते हैं और आप उसको प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट यूनिट, दैट फैक्ट्री इज, दैट बिजनेस इज कम्प्लीटली ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो वहाँ पे ओनरशिप किसकी है, इंडिविजुअल की रहेगी, और वही डिसाइड करेगा कि कब कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे मार्केट में फ्लो करना है, कितना प्रॉफिट आएगा, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन जब पब्लिक इंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ओनरशिप है वो किसके हाथों में है, वो टोटली गवर्नमेंट के हाथों में है। फिर ये प्राइवेट इंटरप्राइज में क्या है, मैनेज बाय द ओनर एंड द प्रोफेशनल मैनेजर्स, कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट चलता है या तो प्रोफेशनल मैनेजर्स से या फिर जो ओनर है उससे। और अगर हम बात करते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस की तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो पूरा चलता है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर है प्राइवेट एंटरप्राइजेस में दे आर रेज्ड बाय द ओनर्स थ्रू लोन्स, प्राइवेट सोर्सेज एंड पब्लिक इश्यूज, कि अगर उनको पैसा रेज करना होता है या फिर फाइनेंसेस रेज करने हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस में, तो या तो वो लोन्स लेते हैं उसके थ्रू करते हैं, या फिर वो अपने कुछ प्राइवेट सोर्सेज हैं, अपने किसी फ्रेंड से लोन लेना, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को बेच के पैसा लेना, या फिर पब्लिक इश्यूज। पब्लिक इश्यूज का मतलब होता है मार्केट में IPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या फिर जिसे हम शेयर्स कहते हैं, उनको फ्लोट करना और उसके थ्रू पैसे को गेन करना। ठीक है, तो प्राइवेट इंटरप्राइज अगर है, अगर उसको फाइनेंस करना है अपनी कंपनी को, तो उनके पास तीन रास्ते होते हैं, या तो वो लोन ले सकते हैं, या फिर वो पब्लिक इश्यू के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अपने खुद के प्राइवेट सोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की, और अगर यहाँ पे हमें फंड्स रेज करने हैं या फिर फाइनेंस रेज करना है, तो वो हमारा होगा पब्लिक इश्यूज के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंसान अपने प्राइवेट सोर्सेज से या फिर लोन लेके उसको कंप्लीट नहीं करता है, बल्कि वो पब्लिक इश्यूज के थ्रू जो है फंड्स रेज होंगे। फिर है जो प्राइवेट इंटरप्राइज है आपका, इट ऑपरेट्स इन ऑल द एरियाज विद द एडिक्वेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि ये मोस्टली जितने भी एरियाज हैं उन सभी में दे हैव द प्रेजेंस, और जहाँ पे भी उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलता है, हर उस फील्ड में प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर आपका है वो बेसिकली आपका काम करता है बेसिक और यूटिलिटी सेक्टर्स में, कि वो जो बेसिक और इंडस्ट्रीज हैं या फिर जिसे हम कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं उसमें, और जो कुछ जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करने में हमारा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इंगेज होता है। तो ये आपका एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दी प्राइवेट इंटरप्राइजेस एंड दी पब्लिक इंटरप्राइजेस। नाउ मूविंग अहेड कि कितने तरीके के पब्लिक इंटरप्राइजेस होते हैं, तो तीन तरीके के पब्लिक इंटरप्राइजेस होते हैं। पहला है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है आपका स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, तीसरा है आपका गवर्नमेंट कंपनीज। अब जब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, तो इसमें किस तरीके के आते हैं डिपार्टमेंट्स, जैसे कि आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, रेलवेज हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, एसेट्रा एसेट्रा। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में आपका हो गया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एसेट्रा। और गवर्नमेंट कंपनीज में आपके आता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, ONGC है,
सेल है, हिंदुस्तान शिपयार्ड है, मैजगॉन डॉक्स लिमिटेड है, HAL है, एसेट्रा एसेट्रा। तो तीन जो हैं वो आपके क्या कहते हैं, देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस, जिसमें आपका पहला आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और तीसरा है आपका गवर्नमेंट कंपनीज। इन तीन में डिवाइड किया गया है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को। तो पहला हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमारा बेसिकली क्या है, इट इज़ द ओल्डेस्ट अमंग द पब्लिक इंटरप्राइजेस एंड ऑल्सो इट इज़ ऑर्गेनाइज मैनेज एंड फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। कि जो हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है विच इज़ अ फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज मैनेज और फाइनेंस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। देन इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। कि अगर हम इसे कहें कि इसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज इसको कम्प्लीटली गवर्न किया जाता है बाय अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है वो उसको कम्प्लीटली कंट्रोल करता है। नाउ ईच सच डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय मिनिस्टर। और हर एक ऐसा जो डिपार्टमेंट होता है इट इज़ हेडेड बाय मिनिस्टर, एक मिनिस्टर उसको ओन करता है। एंड ऑल द पॉलिसी मैटर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री। और जितने भी पॉलिसी मैटर्स हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन मैटर्स हैं, वो सारे के सारे उसी कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री के द्वारा लिए जाते हैं जिसके अंडर में वो डिपार्टमेंट काम कर रहा है। नाउ द पार्लियामेंट लेज डाउन द जनरल पॉलिसी फॉर सच अंडरटेकिंग्स। और पार्लियामेंट जो है वो अपनी कुछ जनरल पॉलिसी निकालती है फॉर सच डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं हमारे, दे बेसिकली वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। उनको रूल करता है एक प्रॉपर मिनिस्टर और इनकी जितनी भी फंक्शनिंग है वो सारी की सारी आपकी जो कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आती है। एंड दे कम्प्लीटली ओन्ड एंड फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। और जो पार्लियामेंट है वो उनसे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको फ्रेम करती है। नाउ इफ यू कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो उसमें ये है कि इट इज़ एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट एंड ओवरऑल कंट्रोल रेस्ट विद द मिनिस्टर। कि इसको कौन स्टैब्लिश करता है, गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को एंड इट इज़ ओन बाय अ मिनिस्टर, यानी कि इसका हेड जो होता है वो एक मिनिस्टर होता है। फिर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स मैनेज लाइक एनी अदर डिपार्टमेंट। और ये एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह पे काम करते हैं। कौन कौन से हैं हमारे, ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, रेलवेज है। तो रेलवे की हमारी मिनिस्ट्री होती है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हमारी एक मिनिस्ट्री का पार्ट होता है, तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं। ठीक है, रेलवे का एक मिनिस्टर होता ही होता है, ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर होता ही होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं और इनको रूल एक मिनिस्टर करता है। इट इज़ फाइनेंस थ्रू द गवर्नमेंट फंड्स। इनकी जितनी भी फाइनेंसिंग होती है वो सब गवर्नमेंट फंड्स के द्वारा होती है। देन इट इज़ सब्जेक्ट टू द बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एंड ऑल्सो दे आर सब्जेक्टेड टू द बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। और इनकी जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ले डाउन करती है एंड दे आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। और वो जो है लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल हैं, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो। तो ये थे हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो कोई फाइनेंस होता है गवर्नमेंट के द्वारा, बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसकी पॉलिसीज गवर्नमेंट ले डाउन करती है, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह एक्ट करता है और इसको ओन करता है एक मिनिस्टर। ठीक है, और इसमें जितनी भी आपके बजटरी अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल है वो भी इसके, इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू दीज टर्म्स। फाइन, अब क्या मेरिट्स हैं इसके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की? तो मेरिट्स ये है कि दैट इट इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव। कि जिस सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए इसको बनाया गया है उसका ये कम्प्लीटली फुलफिलमेंट करता है। कि रेलवेज़ के लिए अगर बनाया गया है तो रेलवेज़ का जो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है उसका फुलफिलमेंट होता है। फिर एक ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी पब्लिक है, क्योंकि एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है और एक मिनिस्टर इसको होल्ड करता है, तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक के प्रति इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर एक कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन सबको कंट्रोल करने में इन सारे डिपार्टमेंट्स को, उसके ऊपर एक कंट्रोल होता है। फिर एक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड, बट ऑब्वियसली जब ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आपकी वर्क करती हैं तो इनके थ्रू जो भी रेवेन्यू अर्न होता है दे बिकम अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के फंड्स में जाता है। फिर ए लिटिल स्कोप फॉर द मिसयूज़ ऑफ द फंड्स। और क्योंकि लेजिस्लेचर का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ द ऑडिट एंड द अकाउंट्स एंड द कंट्रोल, तो इसीलिए जो मिसयूज़ ऑफ द फंड्स का जो एक स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। फिर एक इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि डिपार्टमेंट है एक मिनिस्ट्री का, इसलिए यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होगा।
एक्सेसिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल हुआ, पार्लियामेंट्री के जितने प्रोसीजर्स बाकी मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं उतना इसके ऊपर भी काम करेंगे बिकॉज इट इज़ ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री. तो इसलिए क्या है, एक्सेसिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी होगा, लैक ऑफ द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है इसलिए जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है उसका जो स्कोप है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. फिर लैक ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए कम हो जाएगी बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ही इससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज वगैरह है वो फ्रेम कर रही है, इसलिए इतनी आसानी से कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं बिकॉज अगर कोई भी चेंज करना होगा तो वो लेजिस्लेचर के थ्रू ही होगा. ठीक है, फिर इन एफिशिएंट फंक्शनिंग, कि कभी कभी ये भी हो जाता है कि इनकी जो फंक्शनिंग्स हैं उसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं आ पा रही है जितनी की एक्सपेक्टेड हो. राइट, कि कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारी जो हमारी ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं वो इतनी पुरानी हो जाती हैं कि उनकी सीटें भी उखड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, जब वो चलती हैं किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर तो खड़खड़ बोलती हैं. तो ये सारी चीज़ें हर इंसान ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होंगी, बट स्टिल जो गवर्नमेंट है वो उनको चेंज नहीं कर रही है या फिर नई बसेस वो लेकर के नहीं आ रही हैं. तो इस तरीके की जो इनएफिशिएंट फंक्शनिंग है वो भी होती है कि फेयर तो बढ़ जाएगा, आपके टिकट का किराया तो बढ़ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि जो सर्विस आपको प्रोवाइड करी जानी चाहिए जिस तरीके की वो नहीं की जाती है. तो एक ही डिसएडवांटेज ज़रूर हो जाता है कि इनएफिशिएंट फंक्शनिंग हो जाती है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के डिसीजंस लेना इतना आसान नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का भी लैक होता है, पार्लियामेंट का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है और ब्यूरोक्रेसी का तो इन्फ्लुएंस होता ही होता है. ठीक है, तो ये था आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. फिर आती है बारी आपकी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की. अब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है वो रिफर करता है उस ऑर्गेनाइजेशन से विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो वो कॉरपोरेशन जो किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली से बनाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. ठीक है, ये एक मैनेजमेंट पैटर्न है, इसके पावर्स एंड फंक्शंस, द एरिया ऑफ एक्टिविटी, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इट्स एम्प्लॉयज और रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो सब कुछ जो है वो इसके कंसर्न्ड एक्ट में मेंशन होता है कि इनके क्या पावर्स हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, क्या एरिया ऑफ एक्टिविटी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, इनका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए. एवरीथिंग हैज़ बीन मेंशन्ड इन दोज एक्ट्स, यानी कि वो कॉरपोरेशंस जो कि स्पेशल एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कहते हैं. फिर है इट मे बी नोटेड दैट मोर देन वन कॉरपोरेशन कैन फॉल इन दिस कैटेगरी लाइक द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. तो जैसे कि हमारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया या फिर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होते हैं. और कई बार किसी एक एक्ट के तहत जब बनाया जा रहा है तो एक से ज़्यादा दो तीन कॉरपोरेशंस भी उस एक सिंगल एक्ट के अंदर में आ जाते हैं. फिर इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. अब ये कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो पहला तो ये है कि इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. कि ये कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ये कैसे बनाए जाते हैं, दे आर मेड थ्रू द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. फिर इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी एंड इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल. दूसरा ये है कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी होता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता. इट इज़ फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट. यानी कि अगर इंटरनल मैनेजमेंट की बात की जाए तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की तरह यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ना ही इसको जो लीड करता है वो मिनिस्टर करता है, बल्कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी होती है और इंटरनल मैनेजमेंट इसका जितना है दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट. नाउ हाउएवर इट इज़ अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट. लेकिन ये पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल है, क्यों, क्योंकि है तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, भले इसको स्पेशल एक्ट से बनाया गया है लेकिन स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने बनाया है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन तब भी इट विल रिमेन अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट. फिर है इट हैज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इट्स कैपिटल इज होली प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट. तो इसका भी कैपिटल कहाँ से आता है, टोटली गवर्नमेंट से आता है और इसका एक लीगल एग्जिस्टेंस जो है वो सेपरेट है. फिर इट इज़ मैनेज बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज़ कम्पोज ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस इन दिस बिजनेस मैनेजमेंट. और ये जो आपका मैनेजमेंट है इसका, तो इसका मैनेजमेंट होता है बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि आपके इंडिविजुअल्स होते हैं हु आर ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस इन द बिजनेस मैनेजमेंट, जो कम्प्लीटली बिजनेस मैनेजमेंट में ट्रेंड और एक्सपीरियंस लोग होते हैं. और ये जो मेम्बर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड बाई द गवर्नमेंट.
फिर इट इज़ सेल्फ सफिशिएंट इन द फाइनेंशियल मैटर्स, अपनी फाइनेंशियल मैटर्स में ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं एंड द एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड एज पर द कंडीशंस, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर मेंशन बाय इट्स बोर्ड, कि जो भी इनकी बोर्ड ने डिसाइड किया होता है कि कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस चाहिए इनके एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए, उसी के हिसाब से ये रिक्रूटमेंट अपने एम्प्लॉयज़ का करते हैं. ठीक है, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हमारा क्या है, ये हमारी ऑटोनॉमस बॉडी है. इनका जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री है. दे आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इनकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है. इनका जो कैपिटल है वो टोटली गवर्नमेंट देता है. इनका जो मैनेजमेंट है उसके लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो कि आपके ट्रेंड और एक्सपीरियंसड लोग होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट के, और प्लस इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड होती हैं इनके एक्ट में या फिर इनके बोर्ड में, उसी के हिसाब से उनका रिक्रूटमेंट होता है. ठीक है, तो ये था हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. ठीक है, इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? इसके मेरिट्स हैं एक्सपर्ट मैनेजमेंट, कि इनके पास एक्सपर्ट मैनेजमेंट होता है. वो लोग जो अपनी अपनी फील्ड में ट्रेंड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वही इनके इंटरनल मैनेजमेंट में पूरा का पूरा ध्यान देते हैं. यानी कि जो मैनेजमेंट है इनका वो कम्प्लीटली क्या है, ऑटोनोमस है. इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मैनेजमेंट में कोई नहीं है, ओनरशिप में है. फिर इंटरनल ऑटोनॉमी, इंटरनल ऑटोनॉमी भी इनको इसलिए मिलती है क्योंकि इंटरनल मैनेजमेंट में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. फिर रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट के प्रति क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो बनाए ही जाते हैं बाय स्पेशल एक्ट ऑफ दी पार्लियामेंट. फिर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी अगेन इसलिए होती है क्योंकि इंटरनल ऑटोनॉमी होती है इनके पास में, तो अपने डिसीजन ज़्यादा आसानी से ले सकते हैं. फिर प्रमोशन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, तो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं जब उनको किसी स्पेशल एक्ट से बनाया जाता है तो बनाया ही जाता है ताकि वो किसी पर्टिकुलर नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो फुलफिल कर सकें. फिर इजी टू रेज फंड्स, और इनके थ्रू जो है फंड्स को रेज करना इजी होता है बिकॉज दे आर कम्प्लीटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट. फिर लिमिटेशंस इसके क्या हो सकती हैं, लिमिटेशंस ये हैं कि कहीं कहीं पे इनका गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आ सकता है बिकॉज दे आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, दे आर मेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. इसलिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, वो होगा ही होगा क्योंकि है तो ये गवर्नमेंट की ही कॉरपोरेशन. फिर रिजिडिटी, रिजिडिटी अगेन यहाँ पे थोड़ी सी आ जाएगी क्योंकि अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, ये जितने भी इनके जो काम होते हैं, इनके काम करने का तरीका, इनके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, इनकी फंक्शनिंग, सब कुछ किस में मेंशन होती है, इनके एक्ट में मेंशन होती है. इसलिए अगर आपको कोई भी नया काम करना है या फिर कुछ करना है जो उस एक्ट में लिखा नहीं है तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से इनको एक रिजिडिटी मिलती है. ठीक है, फिर इग्नोरिंग द कमर्शियल अप्रोच, और ये अपनी जो कमर्शियल अप्रोच है उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ये कहते हैं कि जिस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं वो एकदम कम्प्लीटली आपके जो है एक्सपर्टीज पे चलते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे चलते हैं, दे वेरी इनोवेटिव ऑल्सो. वो नई नई चीज़ों को ट्राई करने में या फिर रिस्क लेने में इतना हिचकिचाते नहीं हैं. लेकिन जो हमारे ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं इसमें जो एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो नहीं होता है. क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे जो भी लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए हैं वो एक तरीके से एम्प्लॉय है वहाँ के डायरेक्टर गवर्नमेंट के, वो अपने आप को उस कंपनी से, उस कॉर्पोरेशन से बहुत ज़्यादा एसोसिएट नहीं करते. यानी कि उस कॉर्पोरेशन के सक्सेस में या फेलियर में उनका सक्सेस या फेलियर डिसाइड नहीं होता है. इसलिए कई बार होता है कि वो जो कमर्शियल एक अप्रोच है कि हाँ ठीक है, हमें अगर इस तरीके की कोई चीज़ को अप्लाई करते हैं या फिर इस तरीके की हम पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो हो सकता है कि जो हमारा रेवेन्यू है वो और ज़्यादा बढ़ जाए या फिर हम इसको कमर्शियली और ज़्यादा वायबल कर सकते हैं. तो इस तरीके की जो इनोवेटिव थिंकिंग है वो डेफिनेटली इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनमें कम होती है एज़ कंपेरिजन टू दी प्राइवेट प्लेयर्स. ओके, फिर तीसरा है हमारा गवर्नमेंट कंपनीज. तो गवर्नमेंट कंपनीज कौन होती हैं? गवर्नमेंट कंपनीज हमारी वो इंडियन कंपनीज होती हैं जो कि रजिस्टर होती हैं इन द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से, और कंपनी का जो 50% या उससे ज़्यादा का जो कैपिटल है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास में होता है. ठीक है, तो उसको हम कहेंगे गवर्नमेंट कंपनीज. तो गवर्नमेंट कंपनीज हमारी कौन सी है? जो कि आपके रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और जिनका 51% या फिर उससे ज़्यादा का जो कैपिटल है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. फिर दीज कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 एंड फॉलो ऑल दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर एप्लीकेबल टू एनी अदर रजिस्टर्ड कंपनी. तो ये उन्हीं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं
जो कि किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी को करना पड़ता है. फिर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज एंड रजिस्टर्ड अ नंबर ऑफ इट्स अंडरटेकिंग्स एज गवर्नमेंट कंपनीज फॉर इंश्योरिंग द मैनेजरियल ऑटोनॉमी एफिशिएंसी एंड कंपटीशन टू द प्राइवेट सेक्टर. फिर ये कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने काफ़ी सारी अंडरटेकिंग्स को जो है गवर्नमेंट कंपनीज बनाया है ताकि एक मैनेजरियल ऑटोनॉमी एफिशिएंसी और प्राइवेट सेक्टर के लिए कंपटीशन जो है वो ये मेंटेन कर सकें. ठीक है, तो ये हमारी गवर्नमेंट कंपनीज. तो इनके क्या फीचर्स हैं, ये रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956.1. फिर है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. तो सेपरेट लीगल एंटिटी ये इसलिए कहलाती है क्योंकि ये कंपनी है. तो अगर आपने कभी बिजनेस लॉ वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें ये लिखा होता है कि कंपनी का मतलब ये होता है कि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कि अगर बैंकरप्ट होती है ना तो वो कंपनी होती है, उसका जो ओनर है वो अलग है, एंटिटी है एक इंडिविजुअल, और जो कंपनी है वो एक अलग एंटिटी है. तो हमारे बिजनेस लॉ ने जो कंपनी है उसको एक अलग एंटिटी माना है. ठीक है, कि अगर बैंकरप्ट होगी तो कंपनी बैंकरप्ट होगी. अगर फंड्स हैं या फिर फाइनेंसेस हैं, कैपिटल है, तो वो कंपनी का है. अगर शेयर्स हैं तो वो कंपनी के हैं. कंपनी के ओनर का सब कुछ नहीं कहलाएगा, वो सब कुछ कंपनी का कहलाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे बिजनेस लॉ के हिसाब से कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है. तो क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन में ही है वो, तो इसीलिए अगर हमारी भी कोई गवर्नमेंट कंपनी होगी और वो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट से तो उसके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होता है. तो वो क्या होगी, वो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी विच कैन बी सूड एंड कैन सू एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. यानी कि आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को सू कर सकते हो, जैसे किसी पर्सन को करते हो, कंपनी भी किसी और को सू कर सकती है, यानी कि उसके ऊपर केस कर सकती है, और प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे एक्वायर कर सकती है. यानी कि एक जो कंपनी है वो अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है. उसके लिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मिस्टर रमेश सिंह हैज़ ओन दिस प्रॉपर्टी. अगर ये लिखा है कि सो एंड सो कंपनी, जैसे कि ये जो लैंड है वो ONGC का है, आप ही कह दीजिए, तो ONGC हमारी क्या है, हमारी गवर्नमेंट कंपनी है. ठीक है, तो क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है तो अगर वो जो लैंड है वो भी उस कंपनी का है, किसी पर्सन का नहीं है. फिर है द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट. अब ये जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है गवर्नमेंट कंपनी की, उनको पार्लियामेंट में दिखाना हर साल ज़रूरी होता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है. फिर द कैपिटल इज होली और पार्शली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, कि जो उसका कैपिटल है वो या तो होली या फिर पार्शली किससे प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट से. तो इन केस ऑफ द पार्शली ओन्ड कंपनी द कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इन्वेस्टर्स. और अगर वो पार्शली ओन्ड है, जो हमारी कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसमें जो का जो पार्शली जो फंडिंग होगी वो गवर्नमेंट से होगी और बाकी की जो फंडिंग होगी किससे होगी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स से होगी. फिर है बट इन सच केस गवर्नमेंट शुड ओन एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर्स. लेकिन ऐसे केस में भी गवर्नमेंट के पास 51 या फिर उससे ज़्यादा के प्रतिशत के शेयर्स होने चाहिए. यानी कि कोई अगर प्राइवेट इन्वेस्टर उसमें होल्ड करता भी है कोई भी शेयर, तो वो आपका 49% या फिर उससे कम ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. अदरवाइज ये जो डेफिनेशन है आपकी गवर्नमेंट कंपनी की वही लैप्स हो जाएगी. फिर इट इज़ मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की तरह इसको भी जो मैनेजमेंट किया जाता है इसका, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है. और इसकी अकाउंटिंग और ऑडिट प्रैक्टिसेस जो हैं वो जैसी प्राइवेट इंटरप्राइजेस की होती हैं वैसे होती हैं. और इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स नहीं होते हैं, जो आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में होता है. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में क्या होता था, आपका एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी होती थी. क्यों? क्योंकि उसमें कौन काम करते थे, उसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स काम करते थे. लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं इनको आपको इंटरनल ऑटोनॉमी भी मिली हुई है, और इसके साथ साथ इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स नहीं होते हैं. इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जो इंजीनियर्स हैं, जो लोग एमटेक वगैरह कर चुके होते हैं, तो वो लोग अक्सर प्रिपेयर करते हैं ONGC के एग्ज़ाम के लिए या फिर HAL के एग्ज़ाम के लिए. तो वो अपनी जो रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशंस हैं वो अलग से निकालते हैं. ठीक है, वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं ऑलरेडी या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको उसमें एंट्री नहीं मिलती है. फिर है मेरिट्स क्या क्या है होते हैं हमारे गवर्नमेंट कंपनीज़ के. सिंपल प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट, कि आपने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कर दिया तो इस्टैब्लिश होगी. एफिशिएंट वर्किंग ऑन द बिजनेस लाइंस, क्योंकि इसमें जितने भी आपके जो बिजनेस पर्सन हैं वो काम करते हैं, इससे जो उसकी वर्किंग है वो क्या है, एफिशिएंट है. फिर एफिशिएंट मैनेजमेंट है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ज़्यादा झोलझाल है नहीं इसमें अंदर, इंटरनल ऑटोनॉमी है और जो बिजनेस पीपल है उन्हीं के द्वारा किया जाता है, इसलिए एफिशिएंट मैनेजमेंट है इनका. और एक हेल्दी कॉरपोरेशन की तरह ये एक्ट करता है. फिर है डिसएडवांटेजेस क्या है, लैक ऑफ इनिशिएटिव,
कि अब इनिशिएटिव कौन ले अगर कोई नुकसान हो गया तो, कि हाँ ठीक है हमें ये लेना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए. तो एक इनिशिएटिव का एक लैक यहाँ पर होता है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है. दूसरा है लैक ऑफ द बिजनेस एक्सपर्टीज, कि कुछ हद तक इसमें लैक ऑफ द बिजनेस एक्सपर्टीज भी होता है क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें होता तो है ही. फिर है चेंज ऑफ द पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट, कि कई बार जो है पॉलिसीज और मैनेजमेंट के जो है फ्रीक्वेंट चेंजेस भी होते रहते हैं. जैसे ONGC जो है वो कई बार गवर्नमेंट से इस बात की शिकायत करता रहता है. आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास फंड्स नहीं है ज़्यादा, हमारे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, या फिर आपको जो है वो पेट्रोलियम के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, अब हमारे मतलब जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है, अगर ऐसा ही रहा तो हमारी कंपनी स्क्वाश कर जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये भी इसीलिए होती हैं बिकॉज कई बार जो गवर्नमेंट है वो उनके व्यूज़ के ऊपर ध्यान नहीं देती है. बिकॉज अगर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनकी बातों के ऊपर ध्यान दिया तो कहीं ना कहीं जो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. तो इस सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट भी देखना है, अपनी रूलिंग भी देखनी है, कुछ हद तक पब्लिक का इंटरेस्ट भी देखना है, और फिर जो उनकी जो हेल्दी स्टेट हैं कॉरपोरेशंस की, गवर्नमेंट कंपनीज की, उनको भी देखना है. तो इस वजह से जो है आप कई बार लैक ऑफ इनिशिएटिव हो जाता है और पॉलिसीज में और मैनेजमेंट में आपके चेंजेस भी होते रहते हैं, ठीक है. सो ये था आपका पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो क्या होता है, कितने फॉर्म्स का होता है, प्लस उसका प्राइवेट एंटरप्राइजेस से किस तरीके से डिफरेंट है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारा आपका आ गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में. एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन.